अभी देखना थोड़ा सा एक और बात बताना चाहूंगा कि तुमने क्या क्या देखा वो तुमको रिवाइज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैथमेटिक्स बोला था, पहला पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस फैट्स। दूसरा पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस फाइव टू द बेस 10। क्लियर? उसके बाद पीएच प्लस पीओएच इज हाउ मच 14, देखा ना। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस नाइन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस नाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, है ना। उसके बाद पिक ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के टू द बेस 10। उसी प्रकार पिक बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी टू द बेस 10। और लास्ट में क्या दिखा, पिक डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू टू द बेस 10। दैट इज हाउ मच 14 ना। ये तुमको किसी भी इसमें कोई दिक्कत देगा नहीं, ये पीके समझ में आ रहा है। और जितना कम पीके उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम पीके भी उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ज्यादा के उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा के भी उतना स्ट्रॉन्ग बेस। उल्टा खेले ना, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? ये तुमको सब समझ में आना चाहिए, क्लियर है? आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन के एंड के बी, के क्या है बोला डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड, के बी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस। ठीक है, तो रिलेशन तुमको ऑलरेडी तुम्हारे सामने रख देता हूं, कैसे है देखना। रिलेशन कैसे आया याद रखना जरूरी है, लेकिन रिलेशन क्या है वो याद रखना जरूरी है कॉम्पिटिशन के लिए। तो आपको रिलेशन ये मिलता है कभी कभी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। आपको क्या लगा, मैं बोलो कि हवेली पे आओ के इंटू के बी इक्वल क्या मतलब का के डब्ल्यू। अभी दिखाता हूं कैसे। सपोज मेरे पास ना NH3 है, ठीक है, ये मेरा बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा NH4+। ये कॉन्जुगेट एसिड है कि नहीं, तो सिंपल देखिए। अभी क्या करते हो आप NH3 लेते हो और उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी उसमें वाटर में ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो, ठीक है। ये आपका बेसिकली एक्वास, ये क्या होगा लिक्विड, H2PO लिक्विड होता है। तो सिंपल समझ में आ रहा है क्या, NH3 इज बेस, इट विल एक्सेप्ट H+ आयन, तो क्या होगा बोलो आपका NH4+ और क्या बनेगा OH-। तो यहां पे इसने किसका काम किया है, बेस का, और इसने किसका काम किया है, उल्टा तुमको समझ जाएगा अभी। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे बेस है ना ये, तो बेस का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या रहेगा कभी के बी ना, इसको क्या मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+, क्लियर है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-9 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। वी विल नॉट इंक्लूड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बिकॉज ये केबी में घुसा हुआ है, मालूम है ना। और ये एक्वस, क्लियर है, हो गया। अभी हम लोग क्या लेते हैं अपना उसका कंजुगेट एसिड NH4+, कंजुगेट एसिड क्या है मतलब का NH4+, उसको उसका भी वाटर में डालेंगे। तो ये एक्वस, ये आपका क्या रहेगा लिक्विड, ध्यान से देखना, ये एसिड है, ये क्या करेगा H+ देगा, H+ देगा ना, तो ये क्या बन जाएगा NH3 एक्वास प्लस H3O+ एक्वास, क्लियर है। इसका हम लोग क्या लिखेंगे एसिड है ना, एसिड का क्या रहेगा KB, तो क्या मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन, ओ शाबाश, K क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+, क्लियर क्लियर। अभी अगर मैं ऐसे करूं KA into KB, तो मेरा KA का वैल्यू क्या है, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 into कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, क्लियर है, डिवाइडेड बाय बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+, थोड़ा बातें कम और इधर फोकस करें ज्यादा, क्लियर है।
अभी देखो के बी क्या है मेरा, क्या है मेरा के बी एनएच फोर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनएच थ्री, क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो ध्यान से, NH4 plus cancel, NH3 cancel. तो आपको मिला Ka into Kb is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. You should know. You should know. H plus into OH minus क्या रहता है आपका? Kw. हमको क्या मिला? Ka into Kb is equal to Kw. किसी को दिक्कत? समझा रहा है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं. टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डब्ल्यू, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय माइनस साइन. क्या रहेगा? माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू. माइनस लॉग ऑफ के ए पीके, माइनस लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पीके है ना, जैसे माइनस लॉग ऑफ एच प्लस साइन इज इक्वल टू पी एच. माइनस लॉग ऑफ के बी क्या? पीके बी प्लस पीके बी ना, इज इक्वल क्या मिलेगा? इज इक्वल टू पीके डब्ल्यू. ये भी मिला कि नहीं? आप ऐसे बोल सकते हैं क्या? पीके ए प्लस पीके बी इज इक्वल 14. तो कितने रिलेशन बने? के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, यही बना बस. बाकी दूसरे पैदा हुए ना, उससे पैदा मेन तो ये है, बाकी तो पैदा करने के बाद पैदा कर सकते हैं. उसमें क्या है? आज ये भी रिलेशन होगा फिर तो PK is equal to 14 minus PKW. 14 PKW. ठीक है? इसको रटो मत. ये रिलेशन सेम ऐसा ही है. PH plus POH. जिसको कितना था? 14. अब अभी क्या हो गया मतलब का? PK plus PKW is equal to 14. या Ka into Kb is equal to Kw. तो जनक उनका ये भी नहीं है, वो नहीं है, वो है PH plus POH is equal to 14. वहाँ से आया, लेकिन फिर भी तुमको रखना है वो Ka into Kb is equal to Kw. बस बाकी उससे बना लेना, ठीक है? चलो लिख लो उसको.